करते हैं। इस बीच सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने। टूटी पटरियों से गुजार दी दर्जनों ट्रेनें, बड़ा हादसा होने से टला। सैलिया बनवा गुरमुरा स्टेशन के बीच पनारी का मामला, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये बड़ा हादसा होने से हालांकि चल गया है, जहां बता दें कि टूटी ट्रैक से ही कई सारी ट्रेनें पास करवा दी हैं। सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां टूटी पटरियों से दर्जनों ट्रेनें जो हैं वो गुजरती नजर आईं, बड़ा हादसा होने से टला। अहम खबर इस वक्त की, जहां रेलवे की बड़ी लापरवाही आई है सामने। सोनभद्र से बड़ी लापरवाही रेलवे की सामने आई है, जहां रेलवे की पटरी टूटी होने के बावजूद भी दर्जनों जो ट्रेनें हैं वो वहां से गुजरती हुई नजर आई, बड़ा हादसा हालांकि होने से टलता नजर आया। अहम खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सैलिनावा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ विवेक श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, किस तरह की अपडेट, ये टूटी पटरी को लेकर के प्रशासन द्वारा, रेलवे प्रशासन द्वारा किसी तरह का शुद्ध अब लिया गया हो? जी देखिए, ये जो मामला है, ये गुरमुरा स्टेशन सोनभद्र में पड़ता है, उसके पास एक गांव है, वहीं पर रेल की पटरी टूटी हुई थी। अब आप समझिए कि रेलवे की इतनी बड़ी लापरवाही थी कि 5 एक्सप्रेस ट्रेनें और कई माइल गाड़ियां उससे क्रॉस हो गई और लोगों को, रेलवे विभाग को ये पता तक नहीं चल पाया कि रेल टूटी हुई है। लेकिन जैसे ही भोर में एक मालगाड़ी क्रॉस हो रही थी तो गांव वालों ने देखा और उसको बताया और फिर जाके उस ट्रेन को रोका गया और पूरा प्रशासन, जो रेलवे अमला था, वो हरकत में आया और वहां पर तमाम जो इंजीनियर्स हैं, रेलवे विभाग के लोग हैं और स्थानीय पुलिस है, वो पहुंचकर इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर में ये ट्रेन टूटा कैसे। पहले तो फौरी तौर पर उसको ठीक किया जा रहा है और इसकी भी जांच कर रहा है कि वो पटरी टूटी कैसे। जी, और देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर विवेक सामने आई है रेलवे प्रशासन के, जिस तरह की लापरवाही सामने आई, इससे दर्जनों ट्रेनें गुजरती नजर आई, और इसको लेकर के इससे पहले कोई इसी तरह की कोई शिकायत दर्ज करवाई गई हो? जी देखिए, चूंकि पहाड़ी इलाका है, बहुत दूर जंगलों का इलाका होने की वजह से लोग उन इलाकों में पहुंच नहीं पाते हैं, जो ग्रामीण है वो भी, और ये तो एक अच्छी बात ये रही कि किसी ग्रामीण ने देखा और वो रेलवे विभाग को सूचित किया। लेकिन उसके पहले जो रेलवे विभाग की लापरवाही जो है, अगर ये कहें कि अगर 5 ट्रेनें एक्सप्रेस गुजर गई, कई मालगाड़ियां गुजर गई, तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई कैजुअलिटी होती तो कितनी जान माल की हानि हो सकती थी। और रेलवे विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जंगली इलाके हैं वहां पर खास तौर से निगरानी होनी चाहिए कि कौन सी पटरी टूटी है या कौन सी पटरी रिपेयर होनी है। इस सारे पहलुओं पर रेलवे विभाग को सतर्क होना चाहिए, जो कि वो नहीं कर सका है। हालांकि कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन एक बड़ी लापरवाही रेलवे विभाग के सामने आई है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखिए सामने आई है, और इस लापरवाही पर जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई की जाए और इस पटरी को ठीक किया जाए, यही उम्मीद यहाँ पर जताई जा सकती है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विवेक।